दोस्तों, जब से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मनीष चल की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे लोग लगातार कमेंट्स डीएम्स करके अपने डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स पूछ रहे हैं। इतने सारे लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बना के आप सभी के ये डाउट एकदम डिटेल के साथ क्लियर किए जाए। तो फ्रेंड, जो मेजर डाउट्स थे, जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए क्वेश्चंस है, वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया इसका डिटेल एग्जाम सिलेबस क्या है, क्योंकि एग्जाम सिलेबस को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है। तो इसका एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज आपको प्रोवाइड करूंगा। सेकंड डाउट टाइपिंग टेस्ट को लेकर आ रहा है, काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है कि टाइपिंग का प्रोसीजर क्या होता है, कितने वर्ड्स की मिस्टेक्स अलाउड होती है, टाइपिंग टेस्ट में बैक स्पेस काम करता है फिर नहीं करता, टाइपिंग आप कितने टाइम में सीख सकते हो। साथ ही थर्ड सबसे ज्यादा पूछा गया डाउट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, काफी सारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिमांड कर रहे हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन दूंगा आपको। फोर्थ डाउट है जॉब प्रोफाइल के बारे में, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमें यूनिफॉर्म मिलती है फिर नहीं मिलती है, गन मिलती है फिर नहीं मिलती है, फील्ड ड्यूटी करनी पड़ेगी या फिर नहीं करनी पड़ेगी, क्या इस पोस्ट से हम कमांडो की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। साथ ही काफी सारे लोग इनिशियल इनहैंड सैलरी को लेकर भी कंफ्यूजन है, तो डिटेल से आपका डाउट क्लियर करूंगा। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी आपको इसमें कितने मिलने वाली है। सिक्स्थ डाउट है प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, काफी सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया इसके एग्जाम की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ताकि हम एक टारगेट सेट करके प्रिपरेशन को उसी तरीके से एडजस्ट कर सके। मेडिकल टेस्ट को लेकर बहुत सारे लोग के डाउट बने हुए हैं कि भैया मेडिकल टेस्ट के बारे में बताइए, आई साइट इसमें कितनी मांगी गई है, हमारे हाथ पे टैटू बना हुआ है क्या वो अलाउ है या फिर नहीं अलाउ है, ये भी चीज आपको बताऊंगा। बेस्ट बुक की डिमांड आ रही है कि भैया पहले एग्जाम होने वाला, तो बेस्ट बुक रिकमेंड करिए ताकि हम घर बैठ के सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे खासे मार्क्स के साथ क्रैक कर सके। प्रमोशंस के बारे में काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि इस पोस्ट के बाद प्रमोशन कौन सी पोस्ट के ऊपर होगा, और हां काफी सारे लोग जॉब लोकेशन को लेकर भी कंफ्यूजन है कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी पोस्टिंग कहां पर हो सकती है। तो आगे इस वीडियो में वन बाय वन एक एक डाउट को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी इनमें से कोई डाउट बन रहा है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हां फ्रेंड्स, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मनीष टेल और सीआरपीएफ एएसआई स्टेनोग्राफर वाली वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 4th ऑफ जैन से स्टार्ट होने वाले हैं। दोनों ही वैकेंसी के लिए सेपरेट सेपरेट डिटेल वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, दोनों ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं डाउट नंबर फर्स्ट से, जो कि है एग्जाम सिलेबस को लेकर। देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों ने नोटिफिकेशन में ये तो देख लिया कि टोटल 4 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन सीआरपीएफ ने सबसे बड़ी गलती यही किया कि नोटिफिकेशन में डिटेल एग्जाम सिलेबस नहीं प्रोवाइड किया, जिसके बाद काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है। काफी सारे लोग जनरल एप्टीट्यूड को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है। कुछ टीचर यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं कि जनरल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस है, यहां पर जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कहीं भी जनरल जोड़ने से जनरल नॉलेज नहीं हो जाता। देखिए फ्रेंड्स, ये एक टाइप का जनरल इंटेलिजेंस होता है, कुछ जनरल इंटेलिजेंस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन में, साथ ही कुछ क्लेरिकल एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी कोई पहली बार आई है, 7 साल पहले 2016 में भी यह वैकेंसी आई थी, तो पहले भी इसके एग्जाम में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। हां, सीआई से हेड कांस्टेबल मनीष चल के एग्जाम में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसके एग्जाम पैटर्न में क्लियरली मेंशन होता है कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ये 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि जनरल एप्टीट्यूड के अंदर किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, सीआरपीएफ असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर 2015 वाली वैकेंसी के लिए मैं ट्राई मार चुका हूं, जहां पर मैंने स्टेनोग्राफी टेस्ट भी क्लियर कर लिया था, लेकिन मेडिकल टेस्ट में फंस गया था क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। उस टाइम पर जिन बुक से मैंने प्रिपरेशन करी, आज भी वो बुक्स मेरे पास हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में, इन बुक से मैंने इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की थी, तो इस एग्जाम की अच्छे से प्रैक्टिस मैंने की हुई है और इस एग्जाम का जबरदस्त एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो फ्रेंड्स, इन बुक के रेफरेंस से, यानी कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम सिलेबस के रेफरेंस से, मैं आपको डिटेल एग्जाम सिलेबस प्रोवाइड करा रहा हूं। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यह सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, ये पीडीएफ मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। क्लियर है? जैसे सीआरपीएफ की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट आता है सिलेबस को लेकर, तो मैं आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आप इस एग्जाम सिलेबस को रेफरेंस लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? बात करते हैं सेकंड डाउट के बारे में, जो कि आ रहा है टाइपिंग टेस्ट को लेकर। काफी सारे लोगों ने कुछ वेबसाइट के ऊपर देख लिया जहां पर लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है या तो हिंदी की टाइपिंग की स्पीड आपको आनी चाहिए जहां पर 30
50 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आपको आनी चाहिए जहां पर 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी ही चाहिए। टाइपिंग टेस्ट की टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट्स रहने वाली है जहां पर आपको एक हार्ड कॉपी से एक पैराग्राफ देख के टाइप करना होता है कंप्यूटर के ऊपर। इंग्लिश वालों को 10 मिनट में 350 वर्ड्स टाइप करने होते हैं, हिंदी वालों को 10 मिनट के अंदर 300 वर्ड्स टाइप करने होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर 5% वर्ड की मिस्टेक अलाउ होती है, यानी कि अगर आपकी एक्यूरेसी 95% आ रही है टाइपिंग में तो आप क्वालिफाई कर जाओगे और टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाएगा। और अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना पसंद करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फॉन्ट आपका मंगल का रेमिंगटन गेल चलने वाला है हिंदी में, क्लियर है, तो उसी फॉन्ट के ऊपर अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा। और हां, बैक स्पेस जो होता है ना वो सीआरपीएफ के टाइपिंग टेस्ट में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया था 2016 में उनके रेफरेंस से मैं बता रहा हूं, जो बैक स्पेस है वो काम नहीं करता, यानी कि अगर कुछ गलत टाइप हो गया तो आप बैक स्पेस दबा के उसको इरेज नहीं कर सकते, आपको आगे बढ़ना होता है। फ्रेंड्स, अगर कोई भी पंचुएशन आपने गलत कर दी, कोमा वगैरह आपने मिस कर दिया, या फिर आपने कैपिटल की जगह स्मॉल अल्फाबेट इस्तेमाल कर दिया, या फिर स्पेसिंग आपकी ज्यादा हो गई, एक से ज्यादा लग गई, कहीं आपने स्पेस मिस कर दिया, तो वो एक वर्ड काउंट होता है, ठीक है, वो आपकी एक एरर में काउंट हो जाएगा और एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट में 5% एरर की छूट रहने वाली है, क्लियर है। तो हिसाब लगा लीजिएगा कितने वर्ड बैठते हैं। लगभग नोटिफिकेशन में मेंशन है इंग्लिश वालों के लिए 10 वर्ड्स की यहां पर छूट है, अगर 10 वर्ड 10 एरर हो जाती हैं तो फिर भी आप क्वालिफाई कर सकते हो एग्जाम में। टाइपिंग टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं जो कि एग्जाम के बाद होने वाला है, क्लियर है। थर्ड आउट के बारे में बात करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिमांड आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, कहीं पर भी आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, ये सही है, 2016 में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उस टाइम पर 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था, लेकिन फ्रेंड्स सीआरपीएफ के एग्जाम के साथ एक फंडा होता था, ऑफलाइन एग्जाम होता था। जैसे ही आप एग्जाम देते थे जो हार्ड कॉपी यानी कि जो ऑफलाइन पेपर होता था ना, वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने से पहले आपसे ले लिया जाता था, तो घर के लिए आपको यहां पर कोई एग्जाम या फिर क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता था, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको एक मॉडल पेपर दे देता हूं, 2016 वाला ही एक मॉडल पेपर दे देता हूं। तो दोस्तों, ये मॉडल पेपर आपको V2 सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड करके अच्छे से समझ लीजिएगा कि भाई सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां-कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक को ज्यादा फोकस किया जाता है, एग्जाम का लेवल क्या रहता है, तो एक आईडिया कांसेप्ट तो आपका क्लियर हो ही जाएगा इस 2016 वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग। और हां, एक और चीज का ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम होता है ना, वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आता है। टफ क्या चीज होती है, आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए घबराइएगा मत, 100 क्वेश्चन 90 मिनट में इजीली आप सॉल्व करके बैठ जाओगे, बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है। बस ज्यादा फोकस आपको करना होता है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, जहां पर काफी सारे लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। टाइपिंग टेस्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होते हैं, मेडिकल टेस्ट में डिस्क्वालीफाई होते हैं, वरना एग्जाम तो काफी सारे लोग इजीली निकाल ही लेते हैं। बात करते हैं फोर्थ डाउट के बारे में, जो कि जॉब प्रोफाइल को लेकर आ रहा है कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी फ्रेंड्स, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म मिलेगी जो कि सीआरपीएफ की होती है। साथ ही इस पोस्ट के ऊपर रहकर आपको काम क्लरिकल करना पड़ता है, क्योंकि एक मिनिस्ट्रियल जॉब है, हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा, इसमें आपको कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करनी पड़ती, तो एक तरीके से क्लरिकल जॉब है, यूनिफॉर्म जॉब है, डिफेंस की जॉब है। बात करते हैं फिफ्थ डाउट के बारे में, जो कि इनिशियल इनहैंड सैलरी को लेकर आ रहा है कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमारी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे है, सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी लगभग 37,000 प्लस के आसपास रहने वाली है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। काफी सारे लोग मैंने देखे यूट्यूब के ऊपर 25,000 सैलरी बता रहे हैं, 25,000 सैलरी बेसिक सैलरी है, उस बेसिक सैलरी के साथ आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस जुड़ जाते हैं, जिसमें हाउस रेंटल अलाउंसेस होते हैं, डियरनेस अलाउंस होते हैं, मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, काफी सारे अलाउंसेस लगने के बाद आपकी इनिशियल सैलरी 37,000 के आसपास हो जाती है, फाइनल सैलरी आपकी 93,000 प्लस के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता रहता है। बात करते हैं डाउट नंबर फिफ्थ के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर आ रहा है। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया प्रीवियस ईयर में
कट ऑफ क्या गई थी 2016 वाले एग्जाम की। देखिए फ्रेंड्स, उस टाइम पर कट ऑफ 225 मार्क्स में से बनती थी और इस बार तो एग्जाम 100 मार्क्स का था, तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जान के क्या ही आप करोगे। लेकिन फिर भी मैं आपको एक टारगेट देता हूं, एक गोल दे देता हूं किसकी कट ऑफ इस बार क्या जा सकती है। देखिए फ्रेंड्स, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम है तो 90, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 90 प्लस स्कोर का आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए 90 प्लस स्कोर मुझे करना ही है। यही समझ के चलिए कि भाई जनरल वालों की कट ऑफ 90 प्लस जाएगी और जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही टफ कंपटीशन इस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ चाहे फिर कितनी भी जाए, कम रहे या फिर ज्यादा जाए, जनरल वालों को या फिर किसी भी कैटेगरी से, जनरल ही नहीं एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले सभी 90 प्लस स्कोर लेके चलिए कि भाई 90 प्लस कट ऑफ जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप 90 प्लस का टारगेट माइंड में सेट कर लेते हैं ना, ऑलरेडी ज्यादा मेहनत अंदर से निकलनी शुरू हो जाएगी, आप ऑलरेडी एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दोगे। तो 90 प्लस का गोल माइंड के अंदर सेट कर लीजिएगा कि भाई कट ऑफ 90 प्लस जाएगी। बात करते हैं डाउट नंबर 6 के बारे में, जो कि मेडिकल टेस्ट को लेकर आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया मेरे हाथ के ऊपर टैटू बना हुआ है, क्या ये अलाउ है, क्या मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा मेडिकल टेस्ट को। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया मुझे चश्मा लगा है, क्या मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया मुझे थोड़ा सा नोक नहीं है, क्या मैं मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल टेस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि काफी सारे टेस्ट आपके इसमें होते हैं और फ्रेंड्स इसमें मेडिकल टेस्ट इस तरीके से होता है, जिन लोगों को चश्मे लगे हुए हैं कुछ लोग वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं, जिन लोगों के हाथ पे टैटू बना हुआ है वो भी क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन कंडीशंस हैं। और आपको पता ही है 2015 वाली वैकेंसी का मैंने मेडिकल टेस्ट में मैं गया था, कलर ब्लाइंडनेस की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गया था, रिमेडिकल मैंने दिया था यानी कि दोबारा भी दिया था, तो मेडिकल टेस्ट का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैंने डिसाइड किया कि मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा कि कौन कौन से टेस्ट आपके इसमें होंगे, पॉइंट्स कहां पर बनते हैं, जिन लोगों को चश्मा लगा है कौन कौन लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, टैटू की क्या क्या कंडीशंस हैं, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो मेडिकल टेस्ट के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो आएगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पे सेट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बस आई रही है उसी की मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो मेडिकल टेस्ट की चिंता छोड़ दो। बात करते हैं डाउट नंबर 8 के बारे में, जो कि आ रहा है बेस्ट बुक को लेकर। बहुत सारे लोग डिमांड करें कि भाई बेस्ट बुक रिकमेंड करिए ताकि हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर ले। सब लोगों को पता है मेरी खुद की लाइब्रेरी है, तो फिर सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एग्जाम के अकॉर्डिंग फिलहाल मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को एनालाइज कर रहा हूं, तो एक दो दिन के अंदर बेस्ट बुक के रिगार्डिंग एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सबसे बेस्ट बुक्स रिकमेंड करने वाला हूं ताकि आप बिना कोचिंग बिना किसी क्लास के घर बैठे सेल्फ स्टडी करके उन बुक से एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक कर ले। ठीक है, बहुत ही बड़ी बड़ी महंगी महंगी मोटी मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का लेवल इतना हायर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी यूनिक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, एक दो दिन का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक के रिगार्डिंग ही आ रही है। बात करते हैं डाउट नंबर 8 के बारे में, जो कि प्रमोशंस को लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया हेड कांस्टेबल मनीष की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद प्रमोशन कितने टाइम बाद मिलेगा, कौन सी पोस्ट के ऊपर हमें प्रमोशन मिलने वाला है। देखिए दोस्तों, हेड कांस्टेबल मनीष की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद नेक्स्ट जो रैंक है प्रमोशन के बाद वो आपकी एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की रहने वाली है। ठीक है, अब प्रमोशन कितने टाइम बाद मिलेगा, कम से कम 5 साल तो आपको हेड कांस्टेबल मनीष की पोस्ट के ऊपर ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद डिपार्टमेंट के अंदर इंटरनली प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है, उनके थ्रू आप एएसआई की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आप एएसआई की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं, या फिर ओपन जो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी निकलती है, ओपन वैकेंसी निकलती है, उनके थ्रू भी आप एएसआई की पोस्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन रिजर्वेशन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप डिपार्टमेंट के लोग हो, आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। क्लियर है, तो प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है, जैसे ही प्रमोशन होता है एएसआई की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन होने के बाद आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि ग्रेड पी एएसआई की पोस्ट का 2800 है, हालांकि वो भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म के ऊपर आपको 1 स्टार मिल जाएगा एएसआई की पोस्ट के ऊपर पहुंचने के बाद, वो भी मनीष की ही पोस्ट रहने वाली है। बात करते हैं डाउट नंबर 9 के बारे में, जो कि जॉब लोकेशन को लेकर आ रहा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद जॉब लोकेशन क्या हमारी रहने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सर्च करके देख लीजिएगा मेजरली सीआरपीएफ की पोस्टिंग कहां कहां पर होती है, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे लोगों को तो फील्ड ड्यूटी पसंद है, गन वाली जॉब पसंद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फील्ड ड्यूटी पसंद नहीं है, लेकिन इस पोस्ट के ऊपर आपको फील्ड ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी रह सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिल जाए, लेकिन फील्ड ड्यूटी नहीं करनी, ये क्लरिकल पोस्ट है, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर
अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड काम आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये आपका जॉब लोकेशन को लेकर आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों सबसे ज्यादा रिपीटेडली जो डाउट्स पूछे गए वो यही थे। आई होप आपके सभी डाउट्स मैं अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई नया डाउट बन रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बेस्ट बुक या फिर टॉप स्कोरिंग टॉपिक के रिगार्डिंग आएगी, साथ ही आपको एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एक जबरदस्त टाइम टेबल भी प्रोवाइड करूंगा, साथ ही फिजिकल का पूरा प्रोसीजर, मेडिकल का पूरा प्रोसीजर, साथ ही इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि एक झटकी में एग्जाम को क्रैक कर सको। और बाकी एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया है, साथ ही इसका जो मॉडल पेपर है वो भी मैंने आपको वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।